तो समस्त जगत के, समस्त ब्रह्मांड के महात्मा जीव भूतों को, समस्त ब्रह्मांड के राजनायिक जीव भूतों को, समस्त ब्रह्मांड के भक्त जीव भूतों को और समस्त संसार के मानव जीव भूतों को मनु भैया जी का साष्टांग प्रणाम। जय शनिदेव। तो आप सभी जीव भूतों को मनु भैया जी का प्रणाम। और मनु भैया जी स्वयं भगवान द्वारा और प्रकृति द्वारा जीव भूत के रूप में आपके सामने समक्ष उपस्थित है। जीवात्मा आपके कल्याण के विषय में सोचती है और भूत कर्म का साधन जानता हुआ आपके कल्याण के विषय में कार्यरत है। तो समस्त संसार के जगत के सभी जीव भूतों को ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्ति हो और वे प्रेत योनि में कदापि न जाए, इसलिए उन्हें ईश्वर का नाम स्मरण करना ही करना चाहिए। हमारे पुराणों में बहुत सारी प्रेत की कथा है, प्रेत उद्धार की कथा है। तो प्रेत उद्धार के लिए शिव पुराण का भी पाठ होता है। और आज मैं आपको एक बहुत ही गुप्त बात बताने वाला हूं कि संसार में जो भी आतताई हुआ है वो पहले कदापि न कदापि भगवान का कुछ ना कुछ अंश रहा है। तब जैसे भगवान के जो लोक द्वार थे, जो द्वार के पालक थे अजय विजय थे मेरे ख्याल से, बाद में उनको जय विजय और बाद में उनको जो संज्ञा मिली वो दो राक्षस के रूप में प्रकट हुए और भगवान का उनके साथ बड़ा भारी युद्ध होता है। तो जितने भी समस्त जगत में आतताई और पापी हुई है वे श्राप के कारण ही हुए हैं। श्राप की ये महिमा है। क्या महिमा है श्राप की? कि आप जब किसी का श्राप झेलते हैं, दंश झेलते हैं श्राप का, तब आप निम्नतर योनियों में गिर जाते हैं। तो निम्नतर से निम्नतर योनी राक्षस की योनी होती है जो केवल मांस भक्षण करता है और प्राणियों के किसके बारे में सोचता है, भैया दो बच्चे रोज बैठ जाते हैं, रोज बैठते हैं यहाँ से, वे सब श्राप आदि के कारण हुए। अब श्राप की महिमा समझ गए ना? और वो श्राप आपको किस लेवल से लगता है, कितना लगता है, ये भी आपको समझ में आ गया कि उस श्राप के कारण क्या होता है। तो जो कुपित वायु होती है उसमें पांच प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है नजर दोष, दूसरा होता है श्राप, तीसरा होता है देव दोष, चौथा होता है पितृ दोष और पांचवा होता है पंचम जो है वो होता है प्रेत दोष। क्योंकि हम जिसको पितृ दोष बोलते हैं वो भी प्रेत दोष ही है। और वो प्रेत दोष किस लिए है ये भी मैं समझा देता हूं आपको। वो बढ़ता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? बढ़ता। तो जो प्रेत दोष है वो पितृ दोष भी है एक तरह से, क्योंकि पितृ अगर हमारा कोई है तो वो पितृलोक में अवस्थान करेगा, लेकिन चूंकि वो इस भूमि से अवस्थान नहीं कर पाता है, वैसे भी अगर हम पितृ पूजा करते हैं तो एक तरह से भूत पूजा करते हैं और भूत मानव को कहा जाता है। लेकिन जीव भूत मैंने इसलिए कहा आपको क्योंकि आप मानव मात्र नहीं है, पंच तत्व का पुतला मात्र नहीं है, इसमें एक जीव है, जीवात्मा है। और वो जीवात्मा जो है वो भगवान का साक्षात अंश है और हमें जीवात्मा ही हम सबको कह के संबोधित करें। भगवान चूंकि जीवात्मा ही कह के हमें संबोधित करते हैं, जीव भूत कहते हैं इसके लिए भगवान हमें, कि भूत तो है ही, इन भूत में एक तत्व भगवान का भी है, पुरुषाकार भी है, पुरुषकांश भी है प्रकृति के अलावा, और वो है क्या? आपका आत्मा। क्या है? आत्मा आपका है। तो जो प्रेत है वो पितृ इसलिए बन गया क्योंकि उसके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह आदि की संज्ञा थी और वो अधिकता थी उसकी। हमने सोचा प्रत्येक व्यक्ति जो जा रहा है वो शुद्ध होके जा रहा है, इसलिए लास्ट में ग्रस्त के बाद जब वानप्रस्थ आता था तो उसमें केवल आदमी इन सारे झंझावातों को छोड़कर ईश्वरीय भक्ति करता था
और वो ईश्वरीय भक्ति नहीं करता है, अब तो वो पोत्री और पोत्र खिलाने पे मजबूर रहता है। आपने महाभारत काल से ही देखा, पोत्री और पोत्र के मोह में पड़ के बड़े बड़े ऋषि मुनि सब चले गए और उनसे हुआ कुछ नहीं, मरना सबने है। हम निश्चिंत ही बिना निश्चय वाली बुद्धि के हम संशय में पड़कर अपने जन्म काल को, अपने जन्म को और अपने मानव शरीर को केवल भुगतान का केंद्र मानते हुए और अपने आत्मा को भी शरीर मानते हुए, शरीर जानते हुए केवल दुख ही दुख पाते हैं। काल इस शरीर का पीछा करता है और शरीर को ले जाता है, लेकिन काल भी जीवात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जीवात्मा कर्म के बंधन में नहीं फंसता, लेकिन जीवात्मा का एक अंश मन है, तो वो मन जो है वो प्रकृति में स्थित होता हुआ वापिस और निम्न स्तर पर गिर जाता है और हमें इस शरीर से जोड़ डालता है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, ये बात याद रखें और इसका बार बार स्मरण करें, आप एक आत्मा है, ये बात हमेशा तत्परता से याद रखें। बोलिए जय शनिदेव। तो जगत में जितने जीव भूत है वो याद रखे कि प्रेत योनि सत्य है, असत्य उसमें कुछ भी नहीं। और ये टीवी 9 भारतवर्ष, एबीपी न्यूज, इन सबको तो मनु भैया का एक अश्वमेघ यज्ञ है, उसमें ये आ जाए मेरे पास सारे के सारे, इनको प्रेत देखना, मैं प्रेत दिखाऊंगा, लेकिन प्रेत को ये ढोंगो ढकोसला ना बोले, क्योंकि ये प्रेत को भूत की संज्ञा देते हैं और भूत तो ये खुद ही है, ये सभी जीव भूत है, जितने टीवी वाले हैं, है ना, आज तक वाले रजत शर्मा है, ये जीव भूत है। क्या कहलाते हैं ये? जीव भूत, परमात्मा के अनुकूल ये जीव भूत कहलाते हैं। तो जो प्रेत होता है उसकी अपनी एक संज्ञा है, और प्रेत सामान्य होता नहीं है, प्रेत सामान्य होता नहीं है। श्रीमद भागवत कथा एक प्रेत के उद्धार से, उद्धार के लिए शुरू होती है और जब उसका उद्धार हो जाता है तब वो संपूर्ण हो जाती है। उसमें एक बास करता है उतने पोरियों का जितने स्कंद होते हैं श्रीमद भागवत कथा में। तो मेरे पास दशम स्कंद जरूर रखा है, क्योंकि मैं उसमें से गोपी का गीत पढ़ा कर रखा था, शैत इंद्रिया शश्व दत्त ही, तो शैत इंद्रा शश्व दत्त ही ऐसे कुछ था, तो मैं उस गोपी का विरह गीत को पढ़ा करता था। मैं संस्कृत बहुत कम याद करता हूँ, मैं मूल याद करता हूँ और मूल अपनी भाषा में होता है। तो इसलिए हमेशा जब आप भावार्थ के गूढ़ार्थ तक पहुँच जाएंगे, भावार्थ के गूढ़ार्थ तक पहुँच जाएंगे और शब्दार्थ के गूढ़ार्थ तक पहुँच जाएंगे, तब आपको ये बहुत ज़्यादा श्लोक व्लोक रटने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपको मूल तत्व को खोजना है, है ना। कबीरदास जी तो अनपढ़ थे लेकिन वो मूल को जानते थे। किसको जानते थे? मूल को जानते थे। वो जानते थे कि जो जीवात्मा है जब वो अपनी प्राप्ति कर लेता है तब वो वापिस जो है ब्रह्म का साक्षात्कार करता हुआ और इस संसार से कदापि बनता नहीं है और वापिस इन योनियों के चक्कर में कदापि पड़ता नहीं है। तो इसके अलावा भी हमारे पास जितने भी संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, और उन्होंने बहुत ही गूढ़ चिंतन के बारे में लिखा है, जैसे कबीर दास जी बेशक अनपढ़ थे लेकिन आज कहां तक पढ़ाए जाते हैं पता है आपको? पीएचडी के विषय तक पढ़ाए जाते हैं, पता है आपको इस बात का? बहुत सारे हमारे दार्शनिक महात्मा संत ऐसे हैं जो जिन पे पीएचडी के शोध होते हैं। क्या होते हैं? और पीएचडी में भी जिन विषय की बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, जैसे दर्शन शास्त्र की बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, वो भी हमारे महात्माओं ने, संतों ने बहुत गंभीरता के साथ लिखे हैं और इतने गूढ़ में लिखे हैं कुछ हद नहीं, कि उनको समझने के लिए आपको स्वयं वही बनना पड़ता है, है ना। जब अष्टावक्र जी गीता का बखान करते हैं राजा जनक के सामने, तो एक समय ऐसा आता है कि राजा जनक विधेय हो जाते हैं गीता सुनते सुनते ही, यानी कि अपने सकल संकल्पों का त्याग करके हम स्वयं, तो जो एक पर्दा पड़ा हुआ है वो हमने ही डाला हुआ है, ईश्वर की तरफ से कोई पर्दा नहीं है, भगवान की तरफ से कोई पर्दा है ही नहीं। वो नहीं कहता आप मुझे नहीं मिल सकते, वो तो कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ और सबके हृदय में स्थित हूँ अर्जुन। तो
तो भगवान ने कोई पर्दा नहीं डाला हुआ, वो तो सबके हृदय में स्थित है। पर्दा किसने डाला हुआ है? हमने डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि हम अपने मन का और शब्द का सहारा लेके प्रकृति में स्थित हो गए हैं। जब हम प्रकृति से वापिस लौटेंगे, इन सब चीजों से छक जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर केवल इस शरीर के लिए दुख ही दुख है। लेकिन गीता में एक बात और भी आती है, एक आता है कर्म संन्यास और एक आता है कर्म योग। तो भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास की अपेक्षा जो कर्म योग है वो अच्छा साधन है, यानी कि बड़ा साधन है। और जो कर्म योग करता है और जो ज्ञान योग के अधिकारी है, ज्ञान योग की प्राप्ति में भगवान बताते हैं कष्ट भी है और ज्ञान योग के ज्ञान योगी के गिरने का खतरा भी है। क्योंकि जो ज्ञान योगी होता है वो सहारा कम लेता है, वो बुद्धि का सहारा ज्यादा लेता है, भगवान का सहारा कम लेता है। लेकिन जो कर्म योगी और भक्ति योगी है वे भगवान का सहारा लिए रहते हैं, इसलिए भगवान उनका हाथ पकड़ के ऊपर पार लेकर चले जाते हैं। तो कर्म संन्यास की अपेक्षा, यानी कि सब कर्मों को छोड़कर एक जगह बैठ के ध्यान लगाने की अपेक्षा, यानी कि वो भी छोड़ देना, वो भी सहज अवस्था में आने की अपेक्षा कर्म योग करना बेहतर है। यानी कि इसलिए कहते हैं कि सेवा से क्या, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। और सेवा से क्या भला है, उससे क्या भला है, सेवा भली है। इससे ऐसे उक्ति है ना, हमारी एक उक्ति हम लोग के जीवन में बोलते हैं ना, ठीक है। तो जैसे सेवा भली है, यानी कि सेवा बड़ी है कि सेवा ही करनी चाहिए सबको, जैसे सेवा बड़ी है, तो वो सेवा जो होती है वो कर्म योगी होता है। और कर्म संन्यास यानी कि कर्म न करना, कर्मण्य रहना, उससे बड़ा क्या है, कर्म योग है, भगवान कहते हैं। फिर जो ज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि कर्म छोटी वस्तु है या कर्म योगी हमारे तक नहीं पहुंच सकते, तो भगवान वहां उनका भी संशय दूर कर देता है कि क्या कहते हैं कि जो कर्म करता है और कर्म के द्वारा आसक्ति नहीं करता, फल की इच्छा नहीं करता। जैसे मैंने तुम्हारे से फल की इच्छा छोड़ दी है, चवन्नियों से किसी फल की इच्छा पूर्ति होती नहीं है, ठीक है ना, और वो भी लोक कल्याण के लिए हो गया। तो मैंने जैसे फल की इच्छा छोड़ दी है, वैसे ही आपको भी जो कर्म योग है वो करना ही करना चाहिए। तो कर्म योग में सेवा सबसे सफल होती है, क्योंकि जब हम मंदिरों में जाके सेवा करते हैं तो हम उसके बदले कुछ चाहते नहीं है, बहुत सारे लोग चाहते भी हैं। तो ऐसे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार प्रकार के साधन बताए गए हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, इस तरह के। तो किसी को अर्थ चाहिए भगवान से, कोई केवल भगवान के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु है, ठीक है ना, और अर्थ आदि उपार्जन करना है, धनार्जन करना है, किसी को भक्ति चाहिए, तो इस प्रकार से भगवान से भी, और किसी को मोक्ष चाहिए भगवान से भी। जब हम साधन चाहते हुए कोई योग करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों ही समान है, इसमें छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं। तो चूंकि जीव जो है जब वो पिंड को ग्रहण करता है आत्मा, और माँ के गर्भ से ही वो कर्म करना चालू कर देता है, तब वो सबसे पहला कर्म श्वसन का करता है, तब वो सांस लेता है, फिर हाथ पैर हिलाता रहता है माता के गर्भ में ही, ठीक है। आपने देखा भी होगा बहुत सारी माताएं कहती हैं देखो ये लात मारी और वहां से हमें एकदम से उठा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें लात घूसों का उसके का अनुभव भी होता है। तो जब माँ के गर्भ से हम कर्म करते हैं तो कर्म करना हमारे लिए श्रेयस्कर हो जाता है कि हम कर्म तो बिना रोक टोक के कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें इंद्रियां मिली है, और इंद्रियों से अगर सुयोग्य कर्म किया जाए और बिना फल की इच्छा के किया जाए तो उसका लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे उत्तरोत्तर जीवन में, पूर्वोत्तर जीवन में भी इसके लाभ हुए हैं और हमेशा इसके लाभ हमें मिलते रहेंगे। तो जो सच्ची सेवा करते हैं वो भक्ति कल्याण चाहते हुए लोगों का उनको भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। तो भगवान की शरण में रहना चाहिए, और जो जीव भूत है उनको मानना चाहिए कि जितने भी राक्षस आदि हुए हैं वे श्राप के कारण हुए हैं। और किसी भी ग्रंथ में जो मोचन है, आप देखोगे भारत का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें किसी ना किसी को किसी ने श्राप ना दिया हो और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी कथा ना हो। तो जब दुर्वासा ऋषि श्राप देने के लिए अम्बरीश के पास पहुंचे तो उन्होंने क्रोध में आवेश पूर्वक अपने चक्र को जो है अम्बरीश के पास, अम्बरीश के ऊपर छोड़ दिया। तो जो तो भगवान के भक्त थे वो वापिस उन्हीं के पीछे पड़ गया दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि ने सोचा ये तो काल पीछे भाग रहा है, और भागते रहे भागते रहे भागते रहे, सभी देवताओं की शरण में गए लेकिन उसने पीछा छोड़ा
नहीं तो भगवान ने कहा कि जिसका तुमने अपराध किया है लास्ट में उसी से क्षमा मांगनी पड़ेगी, तो उसी से क्षमा मांगनी। तो जो भक्त होते हैं उनको तो श्राप भी नहीं लगता, ये बात तय करे। तो इसलिए आप सब जो है बहुत सारे श्राप के दंश झेल रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। ये जो श्राप लगते हैं ये तब लगते हैं जब आप किसी की गाड़ी कमाई का जो है उपभोग करते हैं। तो जैसे आज हम सोच ले कि हमने एक आदमी का इलाज किया है और उससे करोड़ों रुपए हमने ले लिया, लेकिन हम ये जरूर जान ले कि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा श्राप हमारे लिए रख के छोड़ती है। तब वे ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत सारी एक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, वो ऊर्जा मलिन होती है और वो एक गोलाकार रूप में आपके शरीर में आपके अंगों में न्यास करती है। तब वो आपके अंगों में विराजित हो जाती है, तब वो आपके कभी घुटनों में जाती है, कभी आपकी एड़ियों में चली जाती है, कभी आपके शरीर में कैसा भी गोलाकार रूप बन के आपके शरीर में दौड़ता है। मनु भैया की कोई ताकत नहीं है आपके शरीर के रोग ठीक करने, क्योंकि शरीर में आपके रोग थे ही नहीं। क्या नहीं थे? रोग नहीं थे। तो शरीर में क्या था? शरीर में कुपित वायु थी। कुपित वायु का मतलब है आपको किसी की नजर लगी तब आपका सर भारी होना, आपको देव दोष लगा तब देव दोष किस प्रकार चढ़ता जाता है, देव दोष बलिष्ठ होता चला जाता है। आपके घर में जितनी संतानें होती हैं वो उनके कर्म जो है वो विकर्म में बदल जाते हैं, यानी कि वो अच्छे कर्म नहीं करती, जुआ आदि खेलती है, शराब आदि पीती है और फिर आपके घर को विनष्ट करती चली जाती है। इस तरह से आप जो है और कष्ट में आ जाते हैं और आपके घर में व्याधियां बढ़ती चली जाती हैं, ये देव दोष होता है। और जो नजर दोष होता है उसमें आपके कहीं कहीं दर्द रहने लगता है। और नजर दोष ये होता है कि जब भी आप अपने किसी प्रमुख कार्य को करने के लिए चलते हैं तभी आप उस कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। आप अपने अगर बिजनेस को भी कर रहे हैं तब उसको भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, और आप की जो सोच है वो आपकी घाट बात तक यानी कि लाभ हानि के जो विषय है उसको भी आप गंभीरतापूर्वक नहीं सोच पाते कि मुझे इस कार्य से लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तो आपकी बुद्धि भी उससे बंद जाती है। अब तीसरी बात करें श्राप की, तो आप जब बहुत सारे लोगों से, और देव दोष एक तरह से और भी लगता है कि जो लोक है यानी कि जो समाज है उसमें अगर आप समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, आपने बुरा कर दिया है, तो ये देवताओं की तरफ से दोष लग जाता है, क्योंकि मानव शरीर मिला तो आपको लोक कल्याण के लिए था और भगवान की भक्ति के लिए था। अब आपने इनमें से दोनों कार्यों में से कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? दोनों कार्यों में से कुछ नहीं किया, ना तो लोक कल्याण किया। क्या नहीं किया? ना तो लोक कल्याण किया और ना ही भक्ति, ना ही भक्ति। अब आपने दोनों में से कुछ नहीं किया तब आपको, और आपने उल्टा और कर दिया। कुछ ना करे ठीक है, कुछ ना करे तो कोई श्राप तो नहीं लगेगा, देव दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन आपने उल्टा कर दिया कि कहीं पे एक पानी का स्रोत था वहां जीव पानी पीते थे और आपने उसको रोक दिया, ये भगवान की इच्छा थी वहां जीव पानी पी रहे थे। इसी तरह सरकार के बहुत सारे फैसले गलत हो जाते हैं, जैसे उन्होंने एक मुंह से जाती हुई नदी को रोक दिया और उसको दूसरी तरफ कर दिया, तो उस रास्ते पे जितने जीव पड़े आए ना सब। इसी तरह से एक बार स्कीम आई थी और उसमें क्या था कि रोडों को बड़ा कर दिया गया, और जब वो रोड बड़े हुए तो कितने पेड़ों की चित्कार निकली उस समय समझ में नहीं आया, यानी कि लाखों पेड़ों को उस रोड के किनारे से काट दिया गया। मार्ग बनाना ठीक है, उचित भी है, लेकिन वृक्षों की हानि प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ देती है, और ये देव अपराध भी कहलाता है, देव दोष भी कहलाता है। बोलिए शनिदेव महाराज। फिर पितृ दोष आया, और वो पितृ दोष था वो सबसे बड़ा इस दुनिया का श्राप है। श्राप इसलिए है कि हमने उनसे कुछ ग्रहण किया है, जैसे मनु भैया ने अपने पितरों से कोई संपत्ति आज तक ग्रहण नहीं की। ये जरूर मैं मानता हूँ कि मेरे पिता ने मेरा 20-25 साल गुजारा भी किया, मेरे मुख में निवाला भी दिया, मेरी चिंता भी की, मुझे पढ़ाया लिखाया भी, मेरी माता ने मुझे अपनी गोद में खिलाया, ये मात्र पितृ ऋण के अलावा जो दूसरे प्रकार का पितृ ऋण है कि संपत्ति लेने का, वो मैंने कदापि उनसे ली नहीं एक इंच भी एक अंश भी। तो एक ऋण से तो मैं उभर गया। इसी तरह
लेकिन आप उसमें फंस गए। आप उसमें कैसे फंस गए कि आपने जब उनसे इच्छा की, उन्होंने अपना सब कुछ देखे और इस संसार से जब विदा ली तो काम क्रोधादि के कारण, अग्नि तत्व के रहने के कारण और कई तत्वों के ठीक है प्रधान होने के कारण, इच्छाओं के प्रधान होने के कारण जब उनको ये योनि मिली, प्रेत योनि मिली, तब आपसे उनका उद्धार ठीक से नहीं हुआ। अब उद्धार कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। अब जो मानव समाज है वो थोड़ा भयाक्रांत है और अब ये जो समय है ये बड़ा कष्टकारी है। ये समय इसलिए है कि यहां सब लोग बातों का खाने लगे, तो ब्राह्मण भी बातों का खाने लगे। ब्राह्मणों ने भी पूजा पाठ तो दिया छोड़ और लंबे समय तक जाप करना बंद कर दिया और जबकि शक्ति से सबको प्रभावित करना बंद कर दिया। अब जब जबकि शक्ति से सब प्रभावित होना बंद हो गए तो क्या हुआ कि वो झूठे मुंह जाप करने लगे और उससे जब जप करने लगे तो उस जप का कोई फल आना जो है वो दुष्कर हो गया, फल आना बंद हो गया। और आया भी तो कुछ समय के लिए, 10-12 दिन के लिए आया, आपसे उन्होंने पैसा लिया, आपका काम किया, आपके पितरों की शांति के लिए कोई यज्ञ कर दिया, आपको कहीं भेज दिया, कहीं पिंडदान कर दिया, लेकिन उससे कार्य संपूर्ण हुआ ही। इनसे भी बड़ा एक कार्य मैंने आपको बताया, अखंड ज्योत का। किसका? अखंड ज्योत का। देवता को साक्षी मानकर शनिदेव महाराज महाशांति के सागर है। शनिदेव महाराज जो है साक्षात वरुण देवता है। शनिदेव महाराज जो है आपके पितरों को जल की उपलब्धि कराते हैं, उनको शांति प्रदान करते हैं, उनमें स्थिरता लेके आते हैं, उनके बंधनों को खोलते हैं और आप ये सब जो है चमत्कारी रूप से होते हुए देखते हो। इसलिए एक दीप जलाने से आपका ये कार्य हो जाता है, उस दीप को अखंड रखने से भी ये कार्य हो जाता है। इसमें आप बहुत सारे काम करा सकते हो। आप बोल सकते हो शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको दीप दान करता हूं या करती हूं, मेरे अखंड दीप दान करता हूं या करती हूं, मेरे ग्रह पितरों को बंधनहीन करके उनको शांति व मुक्ति प्रदान कीजिए, हमारे घर में रहने वाले प्रेतों को बंधनहीन करके अपनी शरण में लीजिए व शांति व मुक्ति प्रदान कीजिए, हमारे व्यापारिक बंधनों का नाश कीजिए, हमारे सबके मेरे परिवार के सदस्यों के बौद्धिक बंधनों का नाश कीजिए, मानसिक बंधनों का नाश कीजिए, इसके अलावा घर के सभी प्रकार के कलमशों का नाश कीजिए। हे शनिदेव महाराज आप हमारे शत्रु का भी नाश कीजिए, उसका मर्दन कीजिए। तो समस्त जगत में जितने आपके शत्रु हैं उन सब शत्रुओं का जो बल है वो ढीला होता चला जाएगा। जो जो ज्योत बढ़ती चली जाएगी अखंड आपकी लंबे समय तक, तब वो ढीला होता चला जाएगा। ये ज्योत जहां लगानी है अखंड, वो आपका पूजा का कमरा भी हो सकता है, और उस पूजा के कमरे में जब आप ज्योत लगाएं तो तिल के तेल से लगाएं ताकि धुआं ज्यादा ना हो और उसके जो कष्ट हैं वो आपको ना हो, क्योंकि सरसों के तेल से जो धूम्र है वो कष्टकारी आपके लिए हो सकता है, लेकिन तिल के तेल का जो धूम्र है वो इतना कष्टकारी ना के बराबर होता है तब, और घी का तो होता ही नहीं है तकरीबन, घी का तो कष्टकारी होता ही नहीं है धूम्र जब घी की आप ज्योत जलाते हैं, लेकिन वो घी सर्दियों में थोड़ा मुश्किल लगता है, गर्मियों में तो आप डाल सकते हैं और घी भी हमें शुद्धता के साथ मिलता है। एक तो सबसे पहली बात ये करना छोड़ दो कि आप जब भी घी आदि का परचेज करते हो तो आप ज्योत के लिए तो निम्न स्तर का घी खरीदते हो भगवान की अर्जी लगाने के लिए, और अपने घर के लिए अच्छा वाला घी खरीदते हो, तो जो अच्छे वाला घी है वही डालना है, ठीक है ना, क्योंकि वहां से आपका जितना बचेगा ठीक है ना वो कोई बचा नहीं सकता दुनिया में दूसरा, आता है समझ में कि नहीं, और वहीं से आपको सारी ऊर्जा और रोशनी मिल रही। कोई मनु भैया के धाम में भी नहीं आ रहा है अगर केवल दीपदान कर रहा है तो दीपदान से उसके बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने दीपदान से खुद को घर पे बैठ के ही ठीक कर लिया है। इस तरह से आप भी अपने आप को घर पे बैठ के ठीक कर सकते हैं। आप भी दीपदान की विधि से अपने घर के सारे कार्य भगवान से करा, ये कराइए। आपको पता नहीं है दीपदान की विधि कितनी बढ़िया। दीपदान से ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसमें नित्य नव नीतन नूतन सपने भी आएंगे। इसके अलावा भी आपने एक कार्य और करना है, इसके अलावा एक कार्य ये करना है कि जहां आप वो ज्योत जलाएं वहां पे शनिदेव महाराज का सवेरे शाम पाठ जरूर करें। चाहे हमारी पुस्तक में से
केवल और केवल शनि चालीसा, शनि साठिक, सिंगना साठिका, शनि शर या फिर शनि अमृतवाणी का पाठ करे या फिर कोई ना कोई पाठ उसमें से जरूर करें, जिसको रेगुलर आप अपना लें, या शनि नमन करें। शनि नमन के बहुत सारे नमन मैंने लिखे हुए हैं। नमस्ते शनिश्चर छाया मजाए, नमस्ते शौर्याय पिपलाए, तो नमन के बहुत सारे स्तोत्र लिखे हुए हैं, तो उससे नमन करें आप ऐसे, और फिर आरती करके सवेरे शाम एक एक घंटा पाठ करने की आदत डालें, तब आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सारे कलमश, सारे पाप शाप, खुले प्रेत वेत, ये सब खत्म हो जाएंगे, और शत्रु धीरे धीरे ढीला पड़ता जाएगा। मैं मानता हूँ किसी का शत्रु बहुत उग्र होता है, किसी पे रोज क्रिया होती है, तो उसको एक बार दबाव जरूर पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तीर आपकी तरफ से छूट चुका है। शनिश्चर का पाठ करेंगे तो तीर ही जाता है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक बहन के लिए एक बार मैंने बजरंग बाण का पाठ किया था 1.5 घंटा, तो उसको ये लगने लगा कि मुझे बहुत सारे बाण लगने लगने हैं मेरे शरीर में, ये मेरी जिंदगी का ऐसा टूट अनुभव है जो मुझे मरते दम तक याद रहेगा, जब तक ये शरीर नहीं जाता, और हो सकता है मन में ये आत्मा में सदा छपा रहे, कि ऐसी ऊर्जा एक आई कि जिसमें उस महिला को बाण ही बाण लगे। वो बहन अभी पीछे कुछ दिनों बाद, 8 साल बाद मेरे से मिलके गई थी, अगर आपने देखा हो, और वो खूब रोई भी थी, ठीक है, और बार बार मेरे गले लगी, और मुझे वही दिन याद आ रहा था जब मैंने उसके लिए वो बजरंग बाण पाठ किया था। तब वो 3 दिन तक उसके अंदर जो प्रेत था, रामतार नाम का, जो 100 प्रेतों के साथ उसके घर में बसा हुआ था, और जो जब हाथ मारता था जमीन पे तो ऐसे लगता था जैसे जमीन दहल गई हो, तब वो प्रेत उसके शरीर में से खत्म हुआ, और उन 3 दिनों तक वो रोता रहा और उसका सारा बल खत्म हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे पाठ हमने किए, लेकिन हर पाठ में हमने कुछ अलग अलग अनुभव किए, बहुत सारे अनुभव किए। बहुत सारे लोग जब साक्षात्कार की बात करते हैं तो पीछे हट जाते हैं। अभी TV9 भारतवर्ष पर मैं भारत के एक भक्त का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं मैं महात्मा तो हूं नहीं, तो उन्होंने कहा जब साक्षात्कार की बात आई कि मुझे हनुमान जी का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन हमारे दादा गुरु जी को हुआ। लेकिन मनु भैया खुले तौर पर 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हाँ मैंने उस शनिश्चर को देखा है, हाँ मैंने उसको छुआ है। देखा सुना और छुआ है तो वो सबका, आप सबका कल्याण करे उन स्तुतियों के माध्यम से, जो स्तुति उन्होंने मेरे इस वाम हस्त से लिखाई। तो लोग कहते हैं एक उल्टा हाथ होता है, एक सीधा हाथ होता है, एक वाम, एक दाम, एक दाया, एक बाया। तो बाएं हाथ वाले को लोग कुछ और मानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो जिसका उपयोग करता है जिस हस्त का, वो उसका दाहिना ही होता है। तो मेरा दाहिना ये है क्योंकि मैं इसका उपयोग करता हूँ। वैसे इसके उपयोग के पीछे एक कथा, एक बार मैं ऊपर वाले यानी कि मकान की छत से नीचे गिर गया था, तो मेरा पैर टूट गया था, मेरे हाथ में चोट लगी थी, तो मेरा यही हाथ जो है ऐसे गिर गया, तो यही पैर यही हाथ टूट गया था, तो इसमें प्लास्टर था, तब मुझे इससे लिखने की आदत पड़ी थी। वैसे मैं जो बचपन से, लोग कई लेफ्टी होते हैं ना, ऐसे बचपन से नहीं, लेकिन बचा, हो सकता है इसलिए बचा हूं कि भगवान की कृपा प्राप्त होनी थी। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपको ऊर्जाओं को समझना है, स्पंदन को समझना है, शब्द को समझना है जो प्रकृति में आके लीन हो गया और उसको वापस खींचना है, तो आपको शब्द का अनुभव करना पड़ेगा, ओंकार ध्वनि को सुनना पड़ेगा, आपको आत्मदर्शन करना ही करना पड़ेगा। उस तेज को, उस विराट तेज को आपने जो बीच बीच में झलक आती है, उसको सदा के लिए प्राप्त करना पड़ेगा। आपको ब्रह्मानुभूति करनी पड़ेगी, आपको आत्मानुभूति करनी पड़ेगी, आपको जीव अनुभूति करनी पड़ेगी, और आपको सदा चिदाकाश में रहना होगा, और ये सब संभव आपके कल्याण के द्वारा ही होता है। मनु भैया जाति पाति में भी विश्वास नहीं करते, हमारी जो जाति होती है वो पूरे दिन में बदलती रहती है। अब जब मनु भैया आपके साथ श्रम करेंगे, अभी जो जाति है वो ब्राह्मण की है, क्योंकि मैं आपको ब्राह्मणोपदेश दे रहा हूँ, ब्रह्म का उपदेश दे रहा हूँ, और ब्रह्म की बातें बता रहा हूँ, गंभीरता की बातें बता रहा हूँ।
लेकिन जब सेवा करने पे आऊंगा तब क्या होऊंगा, तब शूद्र होऊंगा। अभी ब्राह्मण हूं, थोड़ी देर में मैं शूद्र बन जाऊंगा, उसके थोड़ी देर बाद जब मैं आपका 125 रुपए का उतारा करूंगा तो वैश्य बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? वैश्य। बच कौन गया बताइए? क्षत्रिय। और जब मैं संसार को ललकार के कहूंगा कि जिसको प्रेत देखना है वो यहाँ पर आकर देख ले, तो फिर क्या बच